हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। इसमें हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ पंचकुला की तरफ से कुछ वैकेंसीज़ हैं। ये वैकेंसीज़ जो हैं हरियाणा के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। इन टोटल जो है आपको यहाँ पर 166 वैकेंसीज़ दी गई हैं, और जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके ऑफलाइन है। आप इनके लिए जो है ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। और बाकी क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग, इसके जो भी डिटेल्स हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज है, वो हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो। तो ये जो है ये आपका एड जो है ये 29 अगस्त को रिलीज़ हुआ है। इसमें जो है आपको फुल टाइम यहाँ आप देख पा रहे हो, दिस इज़ अ नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एज फुल टाइम लीगल एड लॉयर्स के लिए, और आपकी डिफरेंट पोस्ट जैसे कि असिस्टेंट के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, पीएंस के लिए जो है वैकेंसीज हैं, और हरियाणा के 18 डिस्ट्रिक्ट्स में ओवरऑल जो है ये वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें जो है हम आपको दिखाएंगे कि ये 18 डिस्ट्रिक्ट्स जिनको कवर करेंगे वो है अंबाला, भिवानी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, हिसार, जींद, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, मेवात, नारनौल, पलवल, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत एंड यमुनानगर। इसमें जो है आपका ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल फुल टाइम एंगेजमेंट है, वैकेंसीज़ जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, और इसमें जो है आपको अप्लाई करना है वो ऑफलाइन करना है, और इसके लिए आप जो है स्पीड पोस्ट से या इन पर्सन जो है एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो। और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन सेंड करने की वो आपकी 12th of September रहेगी। 5 बजे तक जो है आपकी एप्लीकेशंस पहुंच जानी चाहिए। एड्रेस भी दिया है ऑफिस ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कम सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ पंचकुला। तो यहाँ पर आपने जो है और पूरी डिटेल्स आप जो है हेल्पलाइन नंबर भी, आपको ईमेल आईडी भी, सब कुछ आपको आप haryanajobs.in से जो है कर सकते हैं एक्सेस। बाकी इस ऐड की भी पीडीएफ जो है मैं आपको डालूंगी। देखो एनेक्सर आपको अलग अलग दिया है, वैकेंसी पोजीशन सब कुछ, क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसमें वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख पा रहे हो कि कौन सी टाइप की पोस्ट जो है किस कहाँ पर कितनी है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की वैकेंसीज़ हैं, जो इन टोटल 59 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको जिस भी पोस्ट के आप एलिजिबल हो उसकी आप क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो। वर्क प्रोफाइल में आपको दिया गया है कि उसके लिए क्या क्या जो है आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, क्या क्या आपको करना है। तो इनमें तो जैसे आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डिग्री चाहिए, बाकी अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए तो आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, आपकी टाइपिंग अच्छी है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। उसमें जो है कोई पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं मांगी गई है, किसी भी स्ट्रीम से जो है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसी तरीके से रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए भी जो है आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन जो है अच्छी होनी चाहिए। पियोन की अगर बात करें तो उसके लिए जर्नल वर्क आपको करना है, इसमें जो भी आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ में काउंट होता है वही काम आपको करने हैं। फिर अगर पे स्केल अगर हम बात करें तो देखो पे स्केल की तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्लास ए में आपका फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट आता है, क्लास बी में ये सब आते हैं, और सी में ये तीनों आते हैं। तो उनके हिसाब से जो है आपको यहाँ पर पे स्केल मेंशन्ड है कि किस पोस्ट के लिए कितना दिया जाएगा। असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर और पीएन, इनके लिए जो है आपका जो भी नगर निगम ने रेट डिसाइड किया होगा डीसी रेट पर आपको एम्प्लॉय किया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपसे डिटेल शेयर की गई है, ईमेल आईडी, हेल्पलाइन नंबर, एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड ओवर हियर। तो मैं ये जो है आपको के साथ अभी के अभी जो है टेलीग्राम ग्रुप पर भी कर दूंगी मैं शेयर ये पीडीएफ।
तो आपने हमें वहाँ ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है और आपने सारी डिटेल्स आपने फिल करके और अपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं सब अटैच करके आपने इनको 12 सितंबर से पहले जो है ये भेजना है। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या जो है प्रोसीजर है। तो आप जल्दी से इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।